नमस्कार, आप सभी का मैं सोनी स्वागत करती हूं आपका ज्ञानदायिनी एकेडमी के इस ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम 16 जून से 30 जून तक का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको यहां डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला टॉपिक है वो देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अग्निपथ योजना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है, पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। हमको इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पर पता लगाना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा स्कीम के बारे में जानते हैं। जो अग्निपथ योजना है बेसिकली क्या है, एक प्रकार का एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। इस स्कीम के तहत क्या होगा कि देश के जो युवक युवती है उनको 4 साल के लिए क्या है, रोजगार प्रदान किया जाएगा। ये रक्षा मंत्रालय का एक बहुत ही अच्छा स्कीम है। इसमें 4 साल के लिए क्या होगा, आपको रोजगार मिलेगा। और जो लोग इसमें भर्ती होंगे उनको क्या कहा जाएगा, उनको अग्निवीर कहा जाएगा। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो रिक्रूटमेंट है, ये जो भर्ती है वो ऑफिसर्स के लिए नहीं है, ये केवल नॉन ऑफिसर्स के लिए है, नॉन ऑफिसर्स के लिए है। जो ऑफिसर्स की भर्ती जैसी होती है, जैसा कि हमको पता है कि एनडीए और सीडीएस जो है वो क्या करती है, जो ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट करती है, तो वो एज इट इज रहेगा। पर जो नॉन ऑफिसर्स है उसमें जो है इसमें भर्ती लिया जाएगा। 4 साल के लिए है, जो रिक्रूट होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल के बाद क्या होगा, अगर ये 4 साल के लिए अगर ये रिक्रूटमेंट है तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद होगा बेसिकली ये कि जो 25% जो रिक्रूटमेंट का जो टोटल 25% जो युवक युवती होंगे उनको आगे 15 साल तक के लिए उनकी सर्विस को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और बाकी जो 75% है उनको क्या किया जाएगा, उनको सर्विस से फ्री कर दिया जाएगा। तो बेसिकली 4 साल के लिए जो है इनको रखा जाएगा और आगे सिर्फ 25% लोगों को जो है, आगे सिर्फ 25% लोगों को मौका मिलेगा, 75% रह जाएंगे। अब समझते हैं कि किस एज ग्रुप के लोगों को इस योजना में शामिल किया गया है। केवल 17.5 से 21 वर्ष, केवल 17.5 से 21 वर्ष के जो है लोग वही इस योजना के अंदर क्या है, एलिजिबल है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको चाहिए 12th पास। किसी भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन से आपको क्या है, 12th पास होना पड़ेगा इसमें शामिल होने के लिए। अब क्या फायदा है, फायदा क्या है 4 साल के लिए जो आप सेना में भर्ती होंगे उसके लिए। फायदे मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको मंथली सैलरी मिलेगी। अगर ये 4 साल की सर्विस है तो पहले साल आपको 30,000, दूसरे साल 33, तीसरे साल 36 और चौथे साल 40,000 पर महीना आपका सैलरी होगा। प्लस में क्या होगा, आपको सेवा निधि भी मिलेगा। 4 साल कंप्लीट होगी ना तो आपको क्या मिलेगा, आपको सेवा निधि मिलेगा। कितने लाख का, 11.7 लाख का आपको एक बड़ा अमाउंट भी आपको मिलेगा। अगर क्रिटिसिज्म की बात करूं तो क्रिटिसिज्म एक ये है कि आपको 4 साल के बाद आप वापस से बेरोजगार हो जाएंगे। और अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो इसकी पॉजिटिव साइड्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी एक ऐसे जगह में हैं और 4 साल के लिए अगर आप एक ऐसे जगह पर हैं जहां का डिसिप्लिन, जहां का नॉलेज, जहां का एक्सपोजर जो आपको एज अ बेटर पर्सन, एज अ बेटर पर्सनैलिटी जो आपको डेवलप कराता है, तो 4 साल यहाँ बिताने के बाद आप कहीं भी अगर आउटर वर्ल्ड में जाएंगे तो आपको कहीं भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। किसी भी कंपनी में कहीं भी आप अगर जॉब के लिए अगर आप सीख कर रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं जॉब, तो आपको क्या है, आपको मदद मिलेगी, आपको प्रेफरेंस हमेशा ही दिया जाएगा। इसमें जो लोग भर्ती होंगे वो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे इंडियन डिफेंस के जो 3 सेगमेंट्स हैं, जैसे कि अगर मैं एयरफोर्स की बात करूं तो वहां पर आप एयरमैन के रूप में आपकी भर्ती होगी। अगर आप सेना में जाना चाहते हो तो जवान के रूप में आपकी भर्ती होगी। और अगर आप नेवी में जाना चाहते हैं तो नाविक के रूप में आपकी भर्ती होगी। तो ये अग्निवीर अग्निपथ योजना के बारे में बेसिकली हमने जाना। मैं 3-4 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो आपको फिर से रिकॉल कराती हूँ। 4 साल के लिए है, जो भर्ती होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। जो टॉप 25% के लोग हैं उनका आगे एक्सटेंशन होगा, बाकी लोग 4 साल के बाद रिलीव कर दिए जाएंगे। जो एज जो लिमिट है वो 17.5 से 21 साल है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि 2022 के लिए जो अपर एज लिमिट है, मतलब 21 साल को 23 साल कर दिया गया, मतलब 2 साल का आपको थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है। क्वालिफिकेशन कितना है, तो केवल 12वीं पास आपको होना जरूरी है। वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला फैक्ट है, 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी है। बिल्कुल 14 जून को ही मंजूरी मिली है। इसके तहत युवा
5 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे। बिल्कुल गलत, ये 4 साल के लिए शामिल होंगे, इनकरेक्ट ऑप्शन है। भर्ती के लिए आयु एज लिमिट बोल रहा है 17.5 से 21 वर्ष के बीच होना जरूरी है, बिल्कुल सही है, और ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ये हमारा जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है, हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी रेल सेवा कहां से कहां के बीच शुरू की गई है। अब आपको भारत गौरव योजना को समझना पड़ेगा, थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसका आंसर है कोयम्बटूर से शिरडी, जो भारत गौरव योजना के तहत जो पहली निजी रेल, ध्यान रखिएगा जो प्राइवेट रेल के बारे में पूछ रहा है, तो प्राइवेट जो पहला प्राइवेट रेल है वो कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में चलाया गया है। लेकिन इस अगर ये प्राइवेट अगर यहाँ नहीं होता तो मैं आपको बता दूं, अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर का कोई रेल अगर पूछता तो IRCTC जो है उसने जो अपना पहला रेल चलाया है इसी योजना के तहत, वो कहां से कहां चलाया है, न्यू दिल्ली से लेके जनकपुर, न्यू दिल्ली टू जनकपुर, बेसिकली भारत और नेपाल के बीच में जो है IRCTC ने भी ट्रेन चलाई है इसी स्कीम के तहत। और जो कोई प्राइवेट प्लेयर बोल रहा है तो प्राइवेट निजी रेल सेवा ने कहां से कहां चला है, कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में चला है। इस योजना के बारे में थोड़ा आप समझिए, जो भारत गौरव योजना है वो बेसिकली रेलवे मिनिस्ट्री जो है उसकी योजना है, ये रेलवे मिनिस्ट्री की योजना है। इस योजना के अंतर्गत होगा क्या, तो ट्रेनें चलाई जाएंगी, पहले समझिए, ट्रेन चलाई जाएगी, कहां चलाई जाएगी, थीम बेस्ड सर्किट्स। अब आपको समझना पड़ेगा थीम बेस्ड सर्किट्स होते क्या है। थीम बेस्ड सर्किट कहने का मेरा मतलब है कि अगर किसी थीम से रिलेटेड जो एक सर्किट हो उस पर ये ट्रेनें चलेंगी। अगर मैं कहूं कि अगर गुरु कृपा सर्किट है तो गुरु कृपा सर्किट क्या है, गुरु नानक जी से संबंधित जो जगहें हैं उन जगहों को जोड़ने वाली जो ट्रेन है उसको हम बोलेंगे कि गुरु कृपा जो है एक थीम बेस्ड सर्किट है, वहां पर जो है ट्रेन चलाई गई है। और ये ट्रेन चलाई जा रही है किस लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए होता है। रेलवे को भी इसमें अपना फायदा है, तो इसी के लिए क्या हुआ है कि जो भारतीय रेलवे ने एक एम्बिशियस योजना लेकर आई है, एक एम्बिशियस स्कीम लेकर आई है, जिसके तहत क्या हो रहा है कि वो ट्रेनें चलाएंगी इन सर्किट्स पे, इन थीम बेस्ड सर्किट्स पे क्या होगा, ट्रेनें चलाई जाएंगी और क्या किया जाएगा, रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, टूरिज्म को और बढ़ावा दिया जाएगा। और उसी के तहत जो है प्राइवेट सेगमेंट में जो पहला ट्रेन चला है वो है कोयम्बटूर से शिरडी, और IRCTC ने जो ट्रेन चलाई है वो कहां से चलाई है, नई दिल्ली टू जनकपुर। भारत गौरव योजना में आप जो इंडियन रेलवे है वो बेसिकली क्या कर रही है, लोगों को इनवाइट कर रही है, क्या करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि ये जो ट्रेनें चल रही है ये कोई आम ट्रेन की तरह नहीं चल रही है, ये इस ट्रेन में बहुत सारी सुविधाएं एडिशनल है। जैसे कि हम जो नॉर्मल ट्रेन में जाते हैं तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बस और कुछ नहीं, लेकिन जो ट्रेनें भारत गौरव योजना के अंडर जो चलेंगी उसमें क्या होगा, एक सर्विस प्रोवाइडर होगा, ध्यान दीजिएगा, एक सर्विस प्रोवाइडर होगा। और उसका काम क्या होगा, उसका काम होगा कि वो जो इस सर्किट में जो ट्रेन चलाएगा उसमें वो सभी चीजों का ध्यान रखेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका जो मेडिकल है, मान लीजिए उसको ट्रेन में ही डॉक्टर आपको मिल जाएंगे, फिर आप कहाँ रुकेंगे, होटेल्स में, किन होटेल्स में रुकेंगे, फिर होटेल से आप जहां जहां घूमने जाएंगे, इन सभी चीजों का केयर, इन सभी चीजों का सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा, ये जो सर्विस प्रोवाइडर है वो प्रोवाइड करेगा। और जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो किसी को भी सर्विस प्रोवाइडर बनने का मौका दे रही है, जैसे कि मैंने बोला प्राइवेट प्लेयर भी इसमें आ सकता है, आप पब्लिक कोई अंडरटेकिंग वो भी इसमें जा सकती है, आप कोई मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट भी जो है इसमें क्या है, इस स्कीम के अंडर जो है शामिल हो सकती है और सर्विस प्रोवाइडर बन सकती है, इन ट्रेन में जो है सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। तो बेसिकली ये पूरा योजना है, आपको याद रखना है कि निजी रेल जो चली है वो कोयम्बटूर से शिरडी चली है, और IRCTC ने जो ट्रेन चलाई वो कहां से कहां, नई दिल्ली से जनकपुर, भारत से नेपाल। ये जो है रामायण एक्सप्रेस जो है ये रामायण सर्किट का ट्रेन है, ठीक है,
इसी प्रकार से और भी बहुत सारे थीम बेस्ड सर्किट है, जैसे महाभारत, रामायण, यू नो, बेसिकली थीम पे बेस्ड होना चाहिए। मतलब किसी एक खास विश्वास से, किसी एक खास इंसान से जो वो रिलेटेड होना चाहिए, ताकि वो एक थीम में आ पाए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 29 जून से 4 अगस्त 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित हो रहा दुनिया का सबसे बड़ा नौसैन्य अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS जो है वो शामिल हो रहा है। जो रिमपैक होता है, रिमपैक इज बेसिकली द रिम ऑफ पैसिफिक, द रिम ऑफ पैसिफिक, ये क्या है, एक मैरिटाइम एक्सरसाइज है, एक नौसैन्य अभ्यास है। इसमें ये दुनिया का सबसे बड़ा नौसैन्य अभ्यास है। इसमें क्या होता है, जो दोस्त जो देश होते हैं, जो इनके आपस में दोस्ती होती है, फ्रेंडली कंट्रीज होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, इस अभ्यास में शामिल होते हैं और आपस का जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा नौसैन्य अभ्यास है, इसमें क्या हो रहा है, भारत इस बार शामिल हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार शामिल हो रहा है, पहले भी शामिल हो चुका है और इस बार भी शामिल हो रहा है। तो हमारे तरफ से कौन सा INS जो इसमें भाग ले रहा है, हमारे तरफ से जो है INS सतपुड़ा इसमें भाग ले रहा है। इसके बारे में बताऊं तो ये कहाँ पर हो रहा है, ये रिमपैक, ये जो मैं बोल रही मैरिटाइम एक्सरसाइज जो है दुनिया का सबसे बड़ा, ये कहाँ हो रहा है, तो ये जो हवाई आइलैंड आपने सुना होगा, कहाँ पर है हवाई आइलैंड, अगर मैं बोलूंगा ये साउथ अमेरिका है, सॉरी नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। तो देखिए यहाँ पर पैसिफिक ओशन में ही जो ये वाला लोकेलिटी है साउथ कैलिफोर्निया के आसपास पड़ता है, यहीं पर ये जो एक्सरसाइज संपन्न होगा, यहीं पर ये एक्सरसाइज को क्या किया जाएगा, इसको संपन्न कराया जाएगा। तो पैसिफिक ओशन में है, नाम से ही द रिम ऑफ पैसिफिक है, रिम पैक मतलब कि ये जो पैसिफिक ओशन है, ये कंट्री शामिल होकर पैसिफिक ओशन में ही इसको संपन्न कराया जाएगा। हमारे यहाँ से INS सतपुड़ा जो है इसमें पार्टिसिपेट करने जा रही है। INS देखिए सतपुड़ा जो है कहाँ, हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर में जो है प्रवेश कर चुकी है। और इसमें क्या है, सतपुड़ा के साथ साथ जो है भारतीय नौसेना का एक P-81 समुद्री पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी जो है शामिल हो रहा है। अमेरिकी नौसेना जो है इसका नेतृत्व करेगी, मित्रता वाले जो देश है शामिल होंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर जो है 27 देश भाग ले रहे हैं। आप समझो कितना बड़ा मैरिटाइम एक्सरसाइज है कि 27 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका पंचायत प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य है, बालिका पंचायत प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात है। तो बालिका पंचायत होता क्या है, बालिका पंचायत बेसिकली क्या है, जो गर्ल्स है हमारी उनको सशक्त करने के लिए क्या है, ये एक प्रकार का अरेंजमेंट है, एक प्रकार की व्यवस्था जो है गुजरात गवर्नमेंट ने जो है वो लेकर आई है, जिसको जो है बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। और मे भी महिला और जो बाल विकास मंत्रालय इसको पूरे देश में इसको आगे चल के लागू करने वाली है। इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए, पहला राज्य तो गुजरात है, हमने देखा क्वेश्चन में ही देखा, उद्देश्य क्या है, तो लड़कियों के सामाजिक एवं राजनैतिक विकास को बढ़ावा देने और राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो है बालिका पंचायत जो है लेकर आया गया है। इसमें 11 से 21 वर्ष की जो युवतियां हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगी। आपको उम्र याद रखना है, 11 से 21 वर्ष की जो बालिकाएं हैं वो इसमें पार्टिसिपेट हो पाएंगी। गुजरात पहला राज्य है और किसके लिए है, तो लड़कियों को और सशक्त बनाने के लिए, उनको सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर और सशक्त और जागरूक बनाने के लिए जो है बालिका पंचायत लेकर आई है गुजरात सरकार। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन, भारत प्रेस परिषद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है, किन्हें नियुक्त किया गया है। पिंकी आनंद आपने नाम सुना होगा, पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थी, ये नहीं है। रमन, ANV रमन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज है लेकिन ये नहीं है। हिमा कोहली भी जज है पर ये नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर रलना प्रकाश देसाई है, ये सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी हैं और जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। इनको अभी अध्यक्ष के पद पर क्या नियुक्त किया गया है, किसके अध्यक्ष के पद पर, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, 1966 में क्या है जो है इसकी स्थापना हुई थी और किस देश से इसको स्थापित किया गया है। तो बेसिकली जो प्रेस का फ्रीडम,
प्रेस का जो फ्रीडम है उसको सुनिश्चित करने के लिए, है ना, उसको सुनिश्चित करने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमको संविधान जो देती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच उसको बेसिकली ये प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, उसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए जो है प्रेस का जो फ्रीडम है उसको भी बचाना हमको उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसी काम के लिए जो है इसको बनाया गया था। इसके अध्यक्ष अन्ना प्रकाश देसाई, इनको अभी नियुक्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष है, पहली महिला अध्यक्ष। जैसा अगर आप थोड़ा भी कॉमन अगर हम बात करें तो जनरली लड़कों को ज्यादा क्रिकेट में इंटरेस्ट होता है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि पहली बार जो है महिला अध्यक्ष मिली है फीका को। तो कौन है? लिसा स्टालेकर है। लिसा स्टालेकर के बारे में बताऊं मैं आपको, जो लिसा स्टालेकर है एक बहुत ही पॉपुलर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर रही है, अपने टीम का इन्होंने कैप्टनशिप किया है, ऑस्ट्रेलिया जो विमेन्स टीम है उसका इन्होंने काफी दिनों तक जो है कैप्टनसी जो है रखी थी, और इन्होंने बहुत अच्छा अपने अपने कैप्टनशिप में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो है ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए इन्होंने करा है। तो उन्हीं को क्या है, फीका का अध्यक्ष जो है, पहली महिला अध्यक्ष इन्हीं को बनाए गए, लिसा स्टालेकर। लिसा स्टालेकर याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर है। नेक्स्ट ऑप्शन, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन चरण दो के तहत सुपर कंप्यूटर परम अनंत किस संस्थान में स्थापित किया गया है? सुपर कंप्यूटर्स आप जानते हैं, सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जो जिनकी कंप्यूटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, जो फास्टेस्ट कंप्यूटर्स होते हैं, दोज आर सुपर कंप्यूटर्स। तो अभी जो है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत जो है किस संस्थान में स्थापित किया गया? आईआईटी गांधीनगर। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग जो मिशन है ये 2015 में लाया गया था। क्यों लाया गया था? कि इंडिया को जो है सुपर कंप्यूटिंग के फील्ड में जो है आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है, हम किसी से पीछे ना रह जाए। अभी सुपर कंप्यूटिंग में जो है इंडिया इज परफॉर्मिंग गुड, एंड अभी हम थोड़े दिन पहले ही हमने एक और सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, क्या नाम था उसका? परम पोरुल सुपर कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ा था। इसको कहाँ इंस्टॉल किया गया है? इसको एनआईटी तिरुचिरापल्ली में क्या किया है, इसको एस्टैब्लिश किया गया है, और अभी थोड़े ही दिन हुआ है और हम एक और नया सुपर कंप्यूटर देख रहे हैं परम अनंत। इसको कहाँ एस्टैब्लिश किया गया है? आईआईटी गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं हम, राष्ट्रीय जांच एजेंसी इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। इसका काम क्या क्या होता है? तो बेसिकली इन्वेस्टिगेट करती है। इसके जो नए महानिदेशक जो है वो है दिनकर गुप्ता जो है एनआईए के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। एनआईए के बारे में समझिए, बेसिकली क्या हुआ कि 2008 में जब मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ तो ये पाया गया कि हमारे पास कोई भी नेशनल लेवल की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो नेशनल लेवल पे जो है इन्वेस्टिगेशन का काम कर रही हो। तो जरूरत महसूस हुई कि क्या है, हमारे पास राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है होना चाहिए। तो इसीलिए फॉलोइंग दी मुंबई टेररिस्ट अटैक 2008 में एनआईए को गठित किया गया, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर जो है काम करती थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर जो है काम करती है। अभी हाल ही में जो किलिंग्स हुए हैं जिसमें दो किलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक उत्तर प्रदेश में हुआ है कानपुर में, और एक अमरावती किलिंग जो है अभी 2-3 दिन पहले आप न्यूज़पेपर में देखेंगे, तो जो अमरावती में जो एक केमिस्ट को मारा गया है उसमें क्या हुआ है कि ये जो पूरा केस है इसको किसको दे दिया गया है? एनआईए को दे दिया गया है। तो इसीलिए एनआईए को आप देखेंगे जो भी क्राइम्स जिसमें हमें लगता है कि किसी आतंकवादी संगठन का हाथ है, किसी टेररिस्ट ग्रुप का हाथ है, तो उन केसेस को क्या करती है, जो होम मिनिस्ट्री है वो एनआईए को इन्वेस्टिगेशन के लिए देती है। इसी प्रकार से अमरावती केस को भी एनआईए को दिया गया, और इसी जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है जो एनआईए, उसी के जो महानिदेशक है वो कौन है? दिनकर गुप्ता है। सामंत कुमार गोयल जो है वो रॉ के हैं, तपन डेका जो है वो आईबी के हैं ऑप्शंस में, और जो मनोज पांडे वो आपको पता है कौन है, वो चीफ ऑफ आर्मी है। तो आंसर हमारा क्या है? दिनकर गुप्ता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए निदेशक एमडी कौन है? नए एमडी कौन है? दीपक भाटिया, सी एस शेट्टी नहीं, अंशुला कांत नो, दिनकर कुमार खारा। ये जो है बेसिकली चेयरमैन है, ये एमडी नहीं है, ये चेयरमैन है। तो इनमें से तो कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव, इसमें तो नन ऑफ द अबव हो गया। ये जो है दिनेश कुमार खारा, ये नए जो चेयरमैन जो है ये नियुक्त किए गए हैं। और एमडी जो यहाँ पर मे बी गलत टाइप हो गया है, जो एमडी है वो कौन है? अपने आलोक चौधरी है, एमडी अपने आलोक चौधरी है एसबीआई के। और जो चेयरमैन है वो याद रखिए इनको नया अपॉइंट किया गया है, दिनेश कुमार खारा। एसबीआई जो है यहाँ पे लिखा है भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, एसबीआई जो है इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। और ये एसबीआई जो कब एग्जिस्टेंस में कब आया? 1955, ये याद रखिएगा 1955, 1 जुलाई 1955 को क्या हुआ, इस एसबीआई जो है इस एसबीआई की स्थापना हुई। इससे पहले इसको इंपीरियल बैंक के नाम से जानते थे, इससे पहले इसको इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। और इंपीरियल बैंक बेसिकली क्या था, तो पहले जो बैंक थे तीन इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी में, दैट इज बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकटा, इसको मिलाकर 1921 में जो है इंपीरियल बैंक का गठन किया गया था, जिसको आजादी के बाद 1955 में क्या किया गया, एसबीआई में जो है कन्वर्ट कर दिया गया। तो इतना आपको बैंकिंग हिस्ट्री एसबीआई के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज इसमें जितने ही फैक्ट्स मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तीन प्रेसिडेंसी के जो बैंक थे उनको मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया, और इंपीरियल बैंक को आजादी के बाद 1955 में एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया गया। और इसी के नए चेयरमैन जो अपॉइंटेड है वो कौन है? दिनेश कुमार खारा। इसके जो एमडी है वो है आलोक चौधरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब निम्न में से किस टीम ने जीता है? रणजी ट्रॉफी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है रणजी ट्रॉफी। आप सबको पता है रणजी ट्रॉफी जो है कहाँ खेली जाती है? भारत में खेला जाता है, भारत में खेला जाता है रणजी ट्रॉफी। किनके बीच खेला जाता है? जो क्षेत्रीय टीम है, जो क्षेत्रीय टीम है उनके बीच खेला जाता है। टोटल वी हैव 37 टीम्स। रणजी ट्रॉफी कितने क्षेत्रीय टीम खेलते हैं? 37 क्षेत्रीय जो टीम्स है वो रणजी ट्रॉफी खेलती है। रणजी ट्रॉफी रणजीत सिंह जो क्रिकेटर थे उनके नाम पे जो है ये ट्रॉफी खेली जाती है, इस टूर्नामेंट जो है इनके नाम पे ही रणजी ट्रॉफी इस टूर्नामेंट का नाम है। जीता है कौन? मध्य प्रदेश जीता है। किसको हराकर? मुंबई को हराकर। मुंबई अब तक का जो है सबसे सफल टीम है, रणजी टीम है, क्योंकि इसने 41 टाइम्स जो है मुंबई टीम ने जो है रणजी ट्रॉफी जीती है। पहली बार जो है टूर्नामेंट 1934 में खेला गया था। मध्य प्रदेश जो इसकी विजेता है, फिर से मैं रिपीट करूं, और सबसे सफल जो है मुंबई है, 41 टाइम्स जो है खिताब जीत चुकी है। इसके संचालक कौन है? बीसीसीआई इसका संचालन देखती है, बीसीसीआई इसका जो है संचालन देखती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है? भारतीय संविधान अनकही पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? हाल ही में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस किताब का विमोचन किया था। इसके लेखक है राम बहादुर राय, इसके लेखक है राम बहादुर राय। हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा पर पूर्ण रूप से आधारित एवं संचालित देश का पहला हवाई अड्डा निम्न में कौन है? कह रहा है कि जो देश का फर्स्ट एयरपोर्ट कौन सा है जो कि कंप्लीटली जो है किससे चल रही है? रिन्यूएबल एनर्जी या फिर अक्षय ऊर्जा से चल रही है। अक्षय ऊर्जा आप समझते हैं, जो ऊर्जा क्या है? अक्षय है, मतलब जो जल्दी से खत्म नहीं होता और उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, ये सब क्या है? अक्षय ऊर्जा है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और जो पहला हमारा देश का एयरपोर्ट है जो अक्षय ऊर्जा से क्या है आधारित एवं संचालित हो रहा है, वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी इस चारों ऑप्शन में देखिए, छत्रपति शिवाजी जो है वो कहाँ है? मुंबई में है, ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी न्यू दिल्ली,
नेताजी सुभाष, कैलकटा और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और इन चारों में जो है इंदिरा गांधी जो IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो जो है अक्षय ऊर्जा से संचालित हो रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक है। IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक मतलब वेट लिफ्टर, वेट लिफ्टर कौन है? गुरु नायडू सेनापति, केवल 16 साल के हैं वेट लिफ्टर, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कहा? लियोन मेक्सिको में जो आयोजित हुआ है IWF विश्व युवा चैंपियनशिप, उसमें क्या है? गोल्ड मेडल जीता है और क्या बना है? विश्व चैंपियनशिप जो है उसने जीत ली है, विश्व चैंपियन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। भारत का सबसे बड़ा जो है तेल आपूर्तिकर्ता देश है इराक। ये जो तेल वाला जो चीज है ना, सेगमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इस पे थोड़ा सा कुछ और इंफॉर्मेशन जो है आप आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि जो भारत है हमारा, इंडिया है, ये क्या है? थर्ड लार्जेस्ट जो है इंपोर्टर है। किसका? ऑयल का। थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है ऑयल का। पहला कौन है? पहला USA है। दूसरा कौन है? चाइना है। तीसरा अपना भारत है सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला देश। अब भारत को जो लोग तेल देते हैं, निर्यात करते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा देश है वो कौन है? सबसे बड़ा देश है इराक। मतलब कि लार्जेस्ट जो हम कहां से जो तेल इंपोर्ट करते हैं? इराक से। इराक हमारा जो है सबसे बड़ा तेल प्रोवाइड करने वाला देश है। दूसरे नंबर पे क्या है? रूस। बेसिकली जो हमारा जो करंट अफेयर्स है वो बेसिकली इससे रिलेटेड हुआ। क्या है कि जो रूस है उसने सऊदी अरेबिया को पछाड़ दिया है और दूसरे नंबर पर आ गया है। किस किस चीज के लिए दूसरे नंबर पे आ गया है? भारत को तेल निर्यात करने के मामले में जो है रूस जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया है, सऊदी अरेबिया को उसने नीचे कर दिया है। और अब हमारा जो दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता देश कौन बन गया है? रूस। रूस हमारा दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता देश बन गया है। पहला इराक है, दूसरा रूस है, तीसरा जो वो सऊदी अरेबिया है। और क्यों? अगर आपको पता हो तो जो तेल है जो उत्पादन करने वाले जो ज्यादातर जो देश है वो कहाँ है? मिडिल ईस्ट में है। और मिडिल ईस्ट के जो देश है वहां पर सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन होता है। और इनका जो ग्रुप है ओपेक कंट्रीज बोलते हैं जिसको, इनका जो ग्रुप है एक ओपेक कंट्रीज है जिसमें इन्होंने आपसी क्या एक समझ बनाई है कि हम जो है थोड़ा तेल कम ही उत्पादन करेंगे और कम ही जो है निर्यात करेंगे ताकि तेल को हम थोड़ा बचा के रख सके। अगर बहुत ज्यादा ये लोग निर्यात कर देंगे तो एक टाइम के बाद इनके पास तेल खत्म हो जाएगा। और ये जो कंट्री है इनका जो मेन रेवेन्यू का सोर्स है वो क्या है? तेल है। तो इन्होंने एक आपसी समझ बैठाई है जिसके तहत क्या है थोड़ा तेल कम निर्यात कर रहे हैं। और इसी बीच क्या हुआ है, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है तो वहां पर क्या है रूस का क्या है तेल थोड़ा सस्ता हो गया है, जिसको हम क्या भारतीय जो कंपनियां हैं जो भी यहाँ की जो रिफाइनरी जो कंपनी वो क्या करी है, इसलिए उन्होंने रूस से ज्यादा तेल खरीदा है। और इसी कारण से जो रूस जो है वो दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता देश बन गया है और सऊदी अरब उसने पछाड़ दिया है। अब इस जो क्वेश्चन को अगर आप फेस कर रहे हैं तो मैं थोड़े दिन पहले अभी जो है हमने अपने करंट अफेयर्स वीडियो में एक और क्वेश्चन फेस किया था जिसमें हमने ये पता लगाया था कि भारत का सबसे बड़ा जो व्यापार जो पार्टनर है, सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन है? हमारा US बन गया है। सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हमारा कौन बन गया है? US बन गया है। किसको पीछे करके? चाइना को पीछे करके भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अभी के समय में कौन है? US है। और एक बात अगर आप जानते नहीं होंगे तो मैं बता देती हूँ कि US उन चंद कंट्रियों में से है जिसके साथ हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो क्या है? हमारा पॉजिटिव में, मतलब हम सरप्लस में है। मतलब अगर हम भारत और USA का ट्रेड का अगर जो वॉल्यूम को अगर हम कैलकुलेट करें तो हम प्लस में है, ऐसा समझिए आप। और भारत का जो ट्रेड जो सरप्लस में केवल कुछ ही देशों में है उसमें से एक US है। और US अब हमारा सबसे बड़ा जो है ट्रेडिंग पार्टनर भी बन गया है। ठीक है, चाइना पहले था लेकिन अब US बन गया है।
ठीक है, तो ये वाला फैक्ट भी आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए बन गया है, हमारा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता देश इराक है, दूसरे नंबर पर रूस है, तीसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया। अगला क्वेश्चन है हमारा 2015 से 2019 में भारत की जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितनी हुई है। तो जीवन प्रत्याशा जो होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, तो बोल रहा है कि जो जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितनी हो गई है 15 से 19 के बीच में, तो बढ़कर हो गई है 69.7 करीब करीब। अब ऑन एवरेज हम कितना साल जिएंगे, 70 साल जिएंगे अब हम, ऐसा अभी का जो हमारा 15 से 19 के बीच का हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो कैलकुलेट किया गया उसमें करीब 69.7 यानी कि अप्रोक्स 70 साल के लिए हमारी जीवन प्रत्याशा हो गई है। जीवन प्रत्याशा पहले से बहुत बेहतर हुई है हमारी, क्योंकि पहले अगर 1950 के आसपास हम देखें तो करीब 50 साल के आसपास थी और आज 70 हो गए, तो 20 साल हम ज्यादा जिएंगे, है ना, करीब औसत हम बता रहे हैं 20 साल ज्यादा जिएंगे। तो जरूर कुछ कारण होंगे, मे बी यू नो हेल्थ के प्रति अवेयरनेस रहा होगा, या मे बी मेडिकल जो हमारा भी इम्प्रूव हुआ है इतना, और भी कई कारण हो सकते हैं, मे बी एनवायरनमेंट जो है, अगर आपको हेल्थी एनवायरनमेंट मिलेगा तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, बढ़ती है। तो देयर आर नंबर ऑफ रीजन जिसके कारण से हमारे जो है जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है। अब ये जो डेटा है वो किसके डेटा के अनुसार जो हमारा जीवन प्रत्याशा 69.7 हो गया है, तो SRS जो होती है, SRS जो एक बॉडी है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, उसके आंकड़ों के अनुसार जो है 15 से 19 के दौरान जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा 69.7 पहुंच गई है। आप देखिए 70-75 में करीब हमारा कितना था, 49.7, केवल 50 था 70-75 की बात है, और अभी कितना हो गया 15 से 19 के बीच में 69.7 हो गया है। अब इस ये जो पूरा लिस्ट है जीवन प्रत्याशा का, ये तो भारत का मैंने ओवरऑल बताया, अब भारत के अंदर जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है उनका भी अपना इंडिविजुअल जीवन प्रत्याशा है, तो उसमें मैं आपको बता दे दूं कि टॉप में जो है नई दिल्ली है, अराउंड अप्रोक्स बता रही हूं, करीब 74 के आसपास है नई दिल्ली का, ये नंबर वन पर है, और सबसे लास्ट है हमारे छत्तीसगढ़ का जीवन प्रत्याशा, हमारे छत्तीसगढ़ जो है वो बॉटम में है, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक या जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये जो डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है, बेसिकली जो स्काई डार्क स्काई जो है उससे रिलेटेड रिजर्व है ये, लद्दाख के एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है इस डार्क स्काई रिजर्व को तैयार किया जा रहा है, या करीब करीब तैयार किया गया है, और इसमें लद्दाख को ही क्यों चुना गया भाई डार्क स्काई रिजर्व बनाने के लिए, और ये होता क्या ये भी समझ जाइए। तो जिनको भी खगोलीय जो चीजें होती हैं उनमें जो इंटरेस्ट है, चांद तारे, बेसिकली तारे और अलग जो भी जो पिंड होते हैं उसको जो है आप इसमें बहुत अच्छे से क्या कर पाएंगे, विजुअलाइज कर पाएंगे इस डार्क स्काई रिजर्व में। और ये जो डार्क स्काई रिजर्व है वो क्या करेगा, वो कोई भी आर्टिफिशियल लाइट का इसमें कोई उपयोग नहीं है, जो भी नेचुरल लाइट है नेचुरल लाइट की मदद से ही क्या करेगा जो है ये स्काई में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको जो है आपको उसका एक बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन यहाँ पर करने का आपको जो है मौका मिलेगा। और लद्दाख को ही क्यों चुना गया, इसका बहुत सारा कारण है, लद्दाख का जो जनरली जो नाइट्स होते हैं वो आर्द्र होते हैं, आइडियल है, मतलब जो लद्दाख के जो कंडीशन है वो आइडियल थे डार्क स्काई रिजर्व बनाने के लिए। प्लस क्या होता है लद्दाख में बहुत सारे फैसिलिटीज जैसे टेलीस्कोप जो है ना, गामा टेलीस्कोप हो गया, इंफ्रारेड टेलीस्कोप हो गया, वो ऑलरेडी वहां पर वो फैसिलिटी अवेलेबल है। प्लस में वहां का जो क्लाइमेट जो है, वहां का जो वेदर है, क्लाइमेट जो है वो भी इसके अनुकूल था। तो ये जो है क्या करेगा, ये एस्ट्रो टूरिज्म के लिए जो है बहुत पॉजिटिव स्टेप है, कहने का अर्थ है जो खगोलीय जो टूरिज्म है, जो पर्यटन है, उसके लिए जो है बहुत पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि इससे क्या होगा जो वो टूरिस्ट मतलब जिनको भी खगोलीय चीजों में बहुत इंटरेस्ट है वो यहाँ जाकर के क्या है इस रिजर्व में जाकर के एंजॉय कर पाएंगे, जो अपना विजुअलाइजेशन है वो ले पाएंगे, स्टार्स न्यूमरस स्टार्स को जो वहां जाकर आप देख कर उसका लुत्फ उठा पाएंगे। ये लद्दाख में स्थापित किया गया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने कहां किया है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में कहां? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है वहां जो है मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये जो बेंगलुरु IISc जो मैं बोल रही हूँ, ये इस मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र में बेसिकली होगा क्या, तो जो उम्र से रिलेटेड जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो एज्ड जो है ना, उनको जो भी मानसिक मतलब जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनका उनका क्या होगा बेसिकली यहाँ पर, लॉजिकल स्टडी समझ रहे आप, साइंटिफिक लॉजिकल जो है स्टडी इस अनुसंधान केंद्र में होगा। ये कहां पर उद्घाटन इसका कहां हुआ? IISc याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जो मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है वो तो बेंगलुरु में है, लेकिन राष्ट्रीय जो नेशनल जो होता है, जो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र दोनों अलग है। और जो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? वो मानेसर हरियाणा में है। ध्यान रखिएगा, मानेसर हरियाणा में, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मानेसर हरियाणा में क्या है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है और मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें टॉप में जो थे डेनमार्क जो है वो टॉप पर रहा है, और हमारा जो भारत जो ऑप्शन डी आप देख रहे हैं ये जो है सबसे बॉटम सबसे आखिरी स्थान पर है, क्योंकि इसका रैंक जो है 180 में, तो हम बॉटम में है और टॉप में जो है डेनमार्क है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो इसको प्रिपेयर तो बेसिकली येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसको प्रिपेयर करती है, पर इसको रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको रिलीज करती है, और उसी में डेनमार्क का जो है टॉप पोजिशन है और इंडिया लास्ट पर है। नेक्स्ट वी हैव विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है 37 स्थान पर है, 37 इसने पूरा 6 पोजीशन जो है इंप्रूव किया है भारत ने, क्योंकि 2021 में क्या था ये 43 नंबर पे था और अभी क्या है 37 नंबर पे पहुंच गया है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसीडर किया जाता है जब इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की एफिशिएंसी देखी जाती है ना, बिजनेस एफिशिएंसी देखी जाती है, ठीक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है। ये तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखकर ये इंडेक्स बनाया जाता है, और इसको इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD जो है इसको प्रिपेयर करती है, IMD जो है इसको प्रिपेयर करती है। इसमें भारत का जो रैंक है वो 37 है, 6 पोजीशन जो है इंप्रूव किया है भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विश्व शांति सूचकांक 2022 वर्ल्ड पीस इंडेक्स भारत किस स्थान पर रहा? तो विश्व शांति सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो याद रखिएगा 135 है, 135 है वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भारत का स्थान, और इसमें जो टॉप जो सबसे पीसफुल कंट्री है वो भी बता दूं वो कौन है, वो आइसलैंड है। आइसलैंड मतलब ठंडा एकदम पीस, वहां पे कोई वो नहीं है। तो सबसे लास्ट जो बॉटम में है सबसे नीचे सबसे अशांत देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। सबसे अशांत देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। और भारत का रैंकिंग उसमें क्या है 135 से बहुत अच्छा भी नहीं है। किस सोशल मीडिया कंपनी ने लापता बच्चों को खोजने के लिए जो है अंबर अलर्ट नामक नया फीचर लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम उसने एक नया फीचर लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि अगर कोई बच्चा लापता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि अभी मैं रायपुर में अगर मैं सिविल लाइन्स में हूं और मान लिए मेरा बच्चा गुम गया है, तो इंस्टाग्राम क्या करेगी? इंस्टाग्राम जो है बच्चे के फोटो को जिस एरिया में वो लापता हुआ है उस एरिया
कि जो भी इंस्टाग्राम यूजर्स है उनको वो फीड के रूप में जो है दिखाएगी, तो उससे क्या होगा, बच्चे को ढूंढना बहुत ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि अगर हम किसी को ढूंढते हैं तो क्या करते हैं, उसका फोटो दिखा दिखा के ढूंढते हैं, देखियो इसको देखियो इसको। तो सिमिलरली क्या होगा, मान लिया अगर बच्चा कोई कहीं घूम गया है अगर, और इंस्टाग्राम क्या करेगी, उस लोकेशन के लोगों को अगर उसकी फोटो दिखाएगी तो क्या होगा, रिकग्नाइज करेंगे, अच्छा अच्छा यही बच्चा है, हाँ अभी तो देखा यही पर था, काइंड ऑफ इस तरीके से बच्चों को ढूंढने में जो है मदद मिलेगा। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का, जो हमारा लेक्चर है उसका ये आखिरी क्वेश्चन है। आई होप कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आएगा और आप जो है इसको अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।